नमस्ते दोस्तों, मैं गेंद्र कुमार राय और आज फिर से बात कर रहे हैं बिहार पंचायती राज की। और जहां पर एक बिहार में एक अनोखे मुखिया जो सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो छपरा के इसुआपुर ब्लॉक में इनका स्थानीय पंचायत है और यहां पर हाईटेक तरीके से गरीबों के बीच में मदद कर रहे हैं। सर, कोरोना COVID-19 विश्व महामारी में आप किस प्रकार से, किन उद्देश्यों के साथ में गरीबों के बीच में, जनता के बीच में, पूरे तरैया विधानसभा में मदद की, किन उद्देश्यों के साथ में? सर, ऐसा है कि हम एक छोटे से पंचायत में इस पंचायत मुखिया करते हैं और ऐसा नहीं है कि जो है आज किसी उद्देश्य से हम लोगों के बीच निकले हुए हैं, किसी उद्देश्य से लोगों की सेवा में। इससे पहले भी जो है 2011 से लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, यहाँ के जो है मजदूर किसान जो भी हैं, सहायक परिवारों के बीच में काम कर रहे हैं, उनके बीच में लगे हुए हैं। वही जो आज जो स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, इस जो संकट की घड़ी में आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जो रोजगार जो है डेली वेजेस पर काम करते थे, आज उनकी जो है मजदूरी जो है सहाय है, बेरोजगार हैं, अब बैठे हुए हैं। तो एक पंचायत स्तर से हमने शुरुआत की और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते लगा कि आसपास के इलाकों में, आसपास के गांवों में, आसपास के पंचायतों में, आसपास के प्रखंडों में भी वैसे लोग हैं, वैसे जरूरतमंद लोग हैं जहां हमारी आवश्यकता है। आपने दो प्रखंड में, मतलब तरैया प्रखंड और ईश्वर पुर प्रखंड को लगातार आपने चर्चा का सब्जेक्ट बने हुए थे संगम बाबा, और वो भी मतलब गरीबों के बीच में जाकर राहत सामग्री आपके या आपके द्वारा या आपके लोगों के द्वारा लगातार हेल्प की जा रही थी। सर, इसमें मतलब ये सोच कहीं ना कहीं मतलब किन उद्देश्यों के साथ है? सर जी, ऐसा है कि देखिए, हम जहाँ पे हम मेरा पंचायत स्थित है, इसके अगल बगल मनोहरा जो है प्रखंड है, बनियापुर प्रखंड है, इसके बाजू में तरैया प्रखंड है, पानापुर प्रखंड है। ऐसा नहीं है कि ये दो पंचायत, एक पंचायत की और एक प्रखंड, दो प्रखंड की बात है। आसपास के इर्द गिर्द में जो भी प्रखंड है, जो भी पंचायत हैं, वहाँ जो है काफ़ी जो युवा नौजवान साथ जुड़े हुए हैं हमसे, वहाँ पे जो वहाँ आसपास के उनके आसपास में इलाकों में। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, आज अनलॉक चल रहा है, उस समय कोई भी सत्ता दल हो या विपक्ष दल के नेता नहीं थे, और आज मतलब सत्ता दल के नेता लोग मतलब एक साल की कामयाबी को गिनाने में लगे हैं, क्या उन नेताओं को उन दिन बाहर नहीं आना चाहिए था? तो खैर, औरों की बात को लेकर या औरों नेताओं और पार्टियों की बात को तो मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज जो संकट परिस्थिति है, इस परिस्थिति में एक मानवता धर्म के नाते भी सभी को आना चाहिए, साधन संपन्न लोगों को भी आना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधि जो है। सर, सरकार की कामयाबी गिनाने के लिए बिहार विधानसभा की स्टार्ट होती है तो हर पार्टी अपने मतलब क्षेत्र में रनिंग कर रही है, अपने सरकार की कामयाबियों को गिना रही है। कोरोना काल में आपने या हमने देखा या पूरे मतलब जनता ने देखा, पूरे बिहार वासियों ने देखा, कोई सत्ता दल का नेता या विधायक या मंत्री रनअप में नहीं थे, ऐसा क्यों था? सर, हर मतलब आप समाजसेवी हैं, समाजसेवी लोग ही क्यों आ गया है? देखिए, वो अपनी निर्भर करता है और अभी जो है खास करके जो है सामने चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने जो है। सर, आपको माना जा रहा है कि आप तरैया विधानसभा से आगामी 2020 के विधानसभा से प्रत्याशी भी माना जा रहा है, इसको किस रूप से देखते हैं? हमें मतलब लोग बोल रहे हैं कि विधानसभा के प्रत्याशी होंगे आप, इसमें क्या सच्चाई है सर कि आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं? ये तो जनता तय करेगी, तो एक सेवा कर रहे हैं लोगों का, मानवता धर्म के नाते सेवा कर रहे हैं लोगों के बीच में हैं, जनता जनार्दन है और जनता के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हम हर कदम पे लोगों के साथ हैं, हर समय साथ हैं और साथ है, रहेंगे भी। अब जो है जनता तय करेगी, जैसे करेगी उसमें यहाँ पे क्या आप मतलब किस पार्टी से आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? सर, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, किसी पार्टी किसी दल से हम कभी न जुड़े थे, न कभी आज जुड़े हुए हैं, न जुड़ने का कोई इरादा है, बस लोगों की सेवा में लोग जैसे तक। सर, आपकी जो आपकी पंचायत या आपके ईश्वरपुर यानी पूरा छपरा का चर्चा एक अनोखे मुखिया में आपका क्यों होता है? सर, मैं अगले भी वीडियो में, ये मेरा क्वेश्चन था, आपने जवाब देने से इनकार किया था, और आज भी एक मेरा क्वेश्चन है,
किन उद्देश्यों के साथ में आप हाईटेक टेक्नोलॉजी से अपने पंचायत को जोड़ रहे हैं सर? आप कह सकते हैं अनोखे मुखिया या आप अपने स्तर से, मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो बस उम्मीदों में हूँ, बस थोड़ी सी सोच है। 8323 मुखिया हैं पूरे बिहार में पंचायती राज में, उसे बहुत कम मुखिया हम लोगों ने देखा कि उसके पंचायत में टोल फ्री नंबर हो। इकलौता आपका पंचायत मिला जहाँ आपके पंचायत में टोल फ्री नंबर हो और उसका रिस्पॉन्स दिया जाता हो, ये भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हमने पहले भी किया था। सर क्या टोल फ्री का उद्देश्य बता सकते हैं, किन लोगों के पहुंचने के लिए और किन लोगों से बात करने के लिए वो मतलब उद्देश्य के साथ आपने स्टार्ट किया था? बिल्कुल, कहने का मतलब कि जो जन समस्याएँ हैं, जनता की समस्याएँ हैं, जो हमारे आस पास भी हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, वहाँ की जो समस्याएँ हैं, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे पंचायत लेवल की बात नहीं करें, प्रखंड या यहाँ से दूसरे प्रखंडों की बात करें, वहाँ भी बहुत समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ लोगों के बीच में आती है। तो उसमें एक थोड़ा सा शुरू से मेरा रहा है कि एक पंचायत लेवल एक मुखिया के नाते नहीं, एक सोशल वर्कर के नाते या जहाँ से भी जो समस्याएं दिखी, अगर लग रहा है कि हमारे स्तर से उसमें हम कुछ जो है अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, तो हमने करने का प्रयास किया है। उसी उद्देश्य से टोल फ्री नंबर हो या जो भी हमारे यूथ नौजवान जहाँ भी जुड़े हुए हैं, जहाँ तक हमारे कानों तक या हमारे फोन तक बातें आती है कि यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएँ हैं, थोड़ी सी हमारे पहल करने से उस समस्याएँ सुलझ सकती है, वहाँ पे व्यवस्थाएँ थोड़ी सी सुधर सकती है, तो हम हर संभव प्रयास करते हैं कि वहाँ पे हम पहुँचे और पहुँचकर इन समस्याओं का निदान करने का। सर एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर लघु उद्योग के लेकर आपके पंचायत में हमने सुना था कि जीविका से आपने मांस भी खरीदा है, और क्या अभी मतलब किया जा रहा है, स्वयं सहायता समूह को आपके पंचायत में किस प्रकार से लघु उद्योग में बढ़ावा दिया जा रहा है? सर तो लघु कुटीर उद्योग जो है हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए जोर तो देना चाहिए, मध्य सरकार से भी कई बार इसको मांग कर चुकी है कि इसमें जो है लघु और कुटीर उद्योगों पर अभी जो है थोड़े से जो भी लोग यहाँ पे रोजगार जो भी लोग नौजवान हैं जो भी हैं उनके रोजगार के साधन के लिए लघु और कुटीर उद्योग पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें हम लोग भी काम करते हैं, उसमें भी हम लोग बढ़ावा देना चाहते देने जो लगाते हैं। तो अभी जो फिलहाल है अभी कोरोना काल के अंतराल में मास्क के काफ़ी जो है जीविका के माध्यम से जो है काफ़ी जीविका दीदी लोग बना रही है, वहाँ पे हम लोग मास्क जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ से जो खरीद करने का काम कर रहे हैं, खरीद कर लोगों तक, और उसमें भी हम लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद।